हाल ही में रिलीज हुई आमिर खान की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जोरदार कमाई कर रही है और अब ये फिल्म 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो चुकी है। आमिर खान अभिनीत फिल्म दंगल के लिए स्थानीय सिनेमाघर मालिकों ने पीएम नवाज शरीफ के सामने गुहार लगाई है और उन्हें उम्मीद है कि देश में इसके रिलीज की औपचारिक मंजूरी मिल जाएगी। यहाँ के सिनेमाघर मालिक उम्मीद करें कि फिल्म की जल्द ही पाकिस्तान में भी स्क्रीनिंग हो जाएगी। पाकिस्तानी मीडिया में आई खबरों के मुताबिक सूचना प्रसारण और राष्ट्रीय धरोहर मंत्रालय ने वाणिज्य मंत्रालय के सार शरीफ को एक आधिकारिक समीक्षा भेजकर पाकिस्तान में फिल्म के रिलीज के लिए उनकी इजाजत मांगी है। स्थानीय वितरकों ने भारतीय मीडिया में आई इन खबरों को झूठी बताया कि पाकिस्तान में फिल्म रिलीज नहीं होगी। उन्होंने बताया कि स्क्रीनिंग में एक हफ्ते की देर हो सकती है। आपको बता दें कि कई अटकलों के चलते पाकिस्तान में बॉलीवुड फिल्मों को बैन कर दिया गया था, लेकिन अब दंगल बहुत जल्द ही पाकिस्तान में रिलीज होगी। मंत्रालय में मौजूद एक सूत्र ने बताया कि अब सिर्फ प्रधानमंत्री ही चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं। पाकिस्तान फिल्म एग्जीबिटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष जुरैब लशारी ने बताया कि वे भी प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो साफ कर देना चाहते हैं कि पाकिस्तान में भारतीय फिल्मों पर कोई प्रतिबंध नहीं, क्योंकि सरकार ने कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की है। इंडिया में ये फिल्म ने काफी धमाल मचाया है, लेकिन अब देखना यह है कि पाकिस्तान में ये फिल्म कितना धमाल मचाती है। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं हिमांशी उपाध्याय, JK 24/7 न्यूज, दिल्ली। जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा डायलॉग से फेमस हुए भोजपुरी कलाकार रवि किशन जल्द ही बिग बॉस के सीजन 10 में नजर आने वाले हैं। नए साल से एक दिन पहले रवि किशन बिग बॉस के घर में होंगे। भोजपुरी सिनेमा के साथ ही दक्षिण भारतीय फिल्मों में भी अपने अभिनय का जौहर दिखाने वाले रवि किशन लोकप्रिय रियलिटी शो बिग बॉस में फिर से जा रहे हैं। उन्होंने बिग बॉस सीजन 1 में हिस्सा लिया था। यूं तो इस सीजन के विजेता बॉलीवुड अभिनेता राहुल राय बने थे, लेकिन रवि किशन ने अपने फेमस डायलॉग जिंदगी झंडबा फिर भी घमंडबा से प्रशंसकों को मंत्रमुग्ध कर दिया था। बिग बॉस की ओर से रवि किशन को बुलावा है। रवि किशन 31 दिसंबर को बिग बॉस के घर में होंगे, यानी वो एक दिन रहेंगे। इस बार भी लोगों को उम्मीद है कि रवि अपना फेमस डायलॉग जिंदगी झंडबा फिर भी घमंडबा दोहराएंगे। बिग बॉस के घर में करीब 3 महीनों तक टिके रहने वाले रवि किशन को बिहार उत्तर प्रदेश के दर्शकों का काफी सपोर्ट मिला था। हालांकि रवि किशन बिग बॉस के घर में सिर्फ एक दिन के लिए ही होंगे। इससे पहले रवि किशन ने बिग बॉस के सीजन 1 में एंट्री ली थी। गौरतलब है कि बिग बॉस में इस समय रवि किशन की को स्टार मोनालिसा भी अच्छा खेल रही है और रवि किशन के जाने से मोनालिसा को और सपोर्ट मिलेगा। दरअसल बिग बॉस की तरफ से उन्हें घर बुलाने का एक मकसद ये भी कि कई फिल्मों में उनकी कोस्टार रही मोनालिसा को रवि किशन का मानसिक समर्थन मिल जाए, जिन्होंने कई बार नॉमिनेटेड होने के बावजूद भोजपुरी दर्शकों के सपोर्ट के कारण घर में अपनी जगह बना रखी है। सीजन 1 में रवि किशन ने अपने फेमस डायलॉग से लोगों का खूब मनोरंजन किया था और दर्शकों की चाहत है कि इस बार भी रवि किशन अपने फेमस डायलॉग से लोगों का मनोरंजन करेंगे। गौरतलब है कि रवि किशन की को स्टार मोनालिसा भी घर में है, जो काफ़ी अच्छा खेल रही हैं। रवि किशन के घर में एंट्री लेने से उनको काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलेगा। कैमरामैन शशि के साथ मैं पूनम पनौरिया, JK 24/7 न्यूज़, दिल्ली।